स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल लाइव ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ पर हम क्रियो की हेल्थ ट्यूटोरियल सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि माउस कैसे वर्क करता है क्रियो में, या माउस की क्या भूमिका है क्रियो में, क्रियो पैरामेट्रिक में। जैसा कि हम जानते हैं कि माउस में तीन बटन होते हैं, जो कि लेफ्ट बटन, मिडिल स्क्रॉल बटन एंड राइट बटन। एक एक करके हम लेफ्ट स्क्रॉल और राइट बटन के उपयोगिता के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं हम लेफ्ट बटन की ओर, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पार्ट सेलेक्ट करके विंडो ओपन करनी है। पार्ट की इंटरफेस है जहाँ हम स्केच भी कर सकते हैं और 3D ड्राइंग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे एक्सट्रूड ऑप्शन से लेता हूँ ताकि मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना सकूँ जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा। फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेफ्ट माउस बटन को। इसे मुझे यहाँ इस कमांड को सिलेक्ट करने है, तो मैं लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करूँगा तो ये कमांड यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सेकंड में हम किसी चीज़ को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ऐड या रिमूव कर सकते हैं मीन्स हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, डी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर बना दी हुई है, मुझे इन लाइन को सिलेक्ट करना है तो मैं इन लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर मल्टीपल सिलेक्शंस की ज़रूरत है तो हम कंट्रोल प्रेस करते हुए उन सारे को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मैंने तीनों लाइनों को सिलेक्ट किया, तो सिंगल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए आपको कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि स्क्रॉल बटन की क्या जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट बटन तो बहुत कॉमन है, इसके बारे में सभी को जानकारी होती है, लेकिन स्क्रॉल बटन कैसे यूजफुल है ये पैरामेट्रिक में हम यहाँ देखेंगे। मैं इसे पहले डिलीट कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। और स्पेस खाली कर लिया मैंने। मिडिल स्क्रॉल बटन को सबसे पहले उपयोगता है कि तीन स्टेप्स में काम करता है। मीन्स आप रिपीटेडली एक बार क्लिक कर सकते हैं, दो बार क्लिक कर सकते हैं, तीन बार क्लिक कर सकते हैं, दो थर्ड बार इसे क्लिक कर सकते हैं और तीन डिफरेंट एक्शन आपको दिखाएगा। तो मैं लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके मैं इस लाइन कमांड को अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लाइन कमांड सेलेक्टेड दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लाइन यहाँ से यहाँ तक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ लेफ्ट बटन का ही इस्तेमाल करके, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन कमांड फिर भी सिलेक्टेड है, लाइन कमांड फिर भी सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे इस पॉइंट को न लेकर कहीं दूसरी जगह से फिर लाइन बनानी है तो मुझे क्या करूँ, फिर से यहाँ से लाइन कमांड सेलेक्ट करूँ? ऐसा करने से बहुत सारे समय की बर्बादी होगी, इसलिए स्क्रॉल बटन ही बहुत हेल्पफुल है। मैं इसे एक बार क्लिक करूंगा तो ये लास्ट पॉइंट को यहाँ छोड़ देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, लास्ट पॉइंट को उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लाइन कमांड एक्टिव है। मैं अगर चाहूँ तो इसे लेफ्ट क्लिक करके फिर एक नई लाइन बना सकता हूँ, फिर स्क्रॉल क्लिक करके मैं उस लाइन को छोड़ सकता हूँ। तो एक बार को स्क्रॉल क्लिक करने से मैं उस लाइन कमांड से टेम्प्ररी बाहर आ रहा हूँ, अगर उसको मैं दोबारा क्लिक कर दूँ स्क्रॉल बटन को तो मैं परमानेंटली उस लाइन कमांड से बाहर आ जाऊँगा और इन सारी लाइंस की डायमेंशन ऑटोमेटिकली एक पार्टिकुलर रेफरेंस यहाँ जैसे कि यहाँ ये लाइन जो सेंटर लाइंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये दिखा दी जाएगी। जैसे मैं इसका बटन दबा करके बाहर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डायमेंशन जो है इस यहाँ ये रेफरेंस है, इसलिए इस रेफरेंस से यहाँ के यहाँ तक की डायमेंशन, ये रेफरेंस है इसलिए यहाँ तक की एंगल्स, ये रेफरेंस इसलिए यहाँ तक की इस पॉइंट तक की एंगल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शा दी गई। तो ये थ्री स्टेप्स में काम करते हैं, आप जान चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करने का तरीका है कंट्रोल अल्ट एंड ए। यहाँ पे सारी एंटिटीज एक बार में सेलेक्ट हो सकती हैं और आप डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट बटन का इस्तेमाल करके। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सॉलिड मॉडल बना ले रहा हूँ ताकि मैं स्क्रॉल बटन की अन्य उपयोगिताओं के बारे में आगे बता सकूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है, इसे मैं ओके करता हूँ 3D एक्सट्रूड के लिए। मैं यहाँ पे कोई सूटेबल थिकनेस दे रहा हूँ, सूटेबल थिकनेस देके मैंने ओके किया। इस चीज़ों के बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा जब हम सॉलिड मॉडलिंग के बारे में देखेंगे। तब मैंने यहाँ पे एक 3D पार्ट बना लिया हुआ है, एक सॉलिड स्लैब है या रेक्टेंगुलर स्लैब मैंने बनाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रेक्टेंगुलर स्लैब को मैं घुमा कैसे रहा हूँ, तो इस रेक्टेंगुलर स्लैब को घुमाने में मेन भूमिका स्क्रॉल बटन की है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल बटन को क्लिक कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्क्रॉल बटन को क्लिक करते समय यहाँ पे एक रोटेटेड सिंबल बना हुआ है जो कर्सर पे ही लगा हुआ है और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जब मैं इसे हॉरिजॉन्टली घुमाऊंगा या वर्टिकली घुमाऊंगा
ये डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे ये घूमेंगे। ये हुआ स्क्रॉल बटन की एक और उपयोगिता। नेक्स्ट में हम इसे जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं। जब हम स्क्रॉल बटन को बिना प्रेस किए इसे उसे रोटेट करते हैं तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पे जूम आउट हो रहा है, मैं इसे जब मैं इसे फाइनल डिटेल्स बहुत सारी बारीक डिटेल्स को देखने को मैं इसे जूम कर सकता हूँ। एज टू एज मैं बहुत सारी पॉइंट्स को भी देख सकता हूँ यहाँ से इसको जूम करके फाइनल डिटेल्स के लिए। फिर हम जानेंगे कि ये राइट बटन की क्या उपयोगिता है। जो राइट बटन है, जैसे मैं इस बात को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करने के लिए मैंने लेफ्ट बटन दबाया, यहाँ पर सेलेक्ट करके ये राइट बटन को दबाया तो यहाँ से ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई स्पेशल बार या शॉर्टकट मेन्यू या उनसे रिलेटेड चीज़। अगर ये लाइन रहती तो यहाँ पर कुछ डायमेंशन दी रहती, लेंथ वगैरह वगैरह। इस लेक्चर सीरीज में हमने आज के लेक्चर में हमने यह जाना कि माउस कैसे काम करता है और आगे हमें माउस सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि माउस कैसे काम कर रहा है या हमसे कैसे यूज मिलेंगे। यहाँ पे जैसे हम स्केच मॉड्यूल में अगर चले जाएँ तो स्केच मॉड्यूल में जाने पर हम पाएंगे कि जब भी हम यहाँ पे स्केच लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्केच बना रहा हूँ। यहाँ पे कमांड एक्टिव है इसलिए ये सिलेक्टेड वाली ऑप्शंस नहीं एक्टिव है। अगर मैं कोई नया कमांड सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, जैसे मैं इसको स्क्रॉल दबाते हैं एक स्टेप बाहर निकला, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे बाहर आ गया मैं पूरा। अभी आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि यह बता रहा है यहाँ पे कि मैं अब दूसरे कमांड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मान लीजिए कि मैंने लाइन सेलेक्ट किया, ये मैं यहाँ से बाहर आ गया, मैं चाहता हूँ कि दूसरा कमांड सेलेक्ट कर लूँ तो भी ये काम करेगा। मैं डायरेक्ट यहीं से जाकर सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं इसे बाहर निकलना है तो यहाँ पे दो बार क्लिक करेंगे, जैसे ही डायमेंशन आ जाएगी आप कमांड से ऑटोमेटिकली बाहर होते हुए नजर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल सीरीज। ओके।